मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी जल्द बॉलीवुड में एंट्री ले रही हैं, लेकिन वो किसी फिल्म में एक्टिंग करती नजर नहीं आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो फिल्म बैटल ऑफ सारागढ़ी के करण जौहर के साथ प्रोड्यूस करेंगी। आपको बता दें कि इस फिल्म को पहले सलमान खान करण जौहर के साथ प्रोड्यूस करते नजर आ रहे थे, लेकिन सलमान कुछ समय पहले इस प्रोजेक्ट से हट गए। फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में हैं। खबरों के मुताबिक कुछ दिनों पहले करण जौहर के घर पर अक्षय कुमार और ईशा अंबानी की मीटिंग हुई थी। ईशा को यह प्रोजेक्ट अच्छा लगा। अक्षय करण और रेशमा शेट्टी की फाइनल मीटिंग 29 अगस्त को अक्षय के घर पर हुई थी। खास बात यह है कि बैटल ऑफ सारागढ़ी पर करण अक्षय को अलावा राजकुमार संतोषी और अजय देवगन भी फिल्म बना रहे हैं। फिल्म में अजय 36 सिख रेजिमेंट के 21 जवानों के 10,000 अफगान सिपाहियों से टक्कर लेकर सारागढ़ के किले को फतेह करने की कहानी को पर्दे पर दिखाने जा रहे हैं। भारतीय सैन्य इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई सारागढ़ी की जंग साल 1897 में 12 सितंबर को लड़ी गई थी। ये जंग 36 सिख जिसे अब सिख रेजिमेंट ने 4 बटालियन के नाम से भी जाना जाता है के 21 सैनिक और 10,000 अफगान कव्वालियों के बीच लड़ी हुई थी। इन सभी भारतीय सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया था। सारागढ़ी पाकिस्तान के NWFP में फोर्ट गुलिस्तान और कोट लॉकहार्ट के बीच पड़ने वाली एक पोस्ट थी। अफगानों को इस युद्ध में अपने 600 लोग गंवाने पड़े। इस दिन को सिख रेजिमेंटल वेटल ऑनर्स डे के रूप से मनाती है। हर पास अच्छी खबर के लिए आज ही हमें सब्सक्राइब करें।